फेसबुक पर मुझे बहुत से लड़के बोल रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं क्या ध्यानी हूँ, मैं काफिलों का सपोर्टर हूँ। मतलब कि आप होते कौन है मुझे जज करने वाले? आप होते कौन है मेरा मजहब डिसाइड करने वाले कि मेरा मजहब क्या है? आप खुद कौन है? आप खुद किस मजहब से है? आप बताएं जरा, अपने आप को शीशे में देखे पूछे कि आप किस मजहब से हैं। आप अगर मुसलमान है तो पूछे अपने आप से कि आपने आज तक क्या ऐसा इस्लामिक काम किया है, क्या मजहबी काम किया आपने आज तक। मैंने एक ट्वीट किया कि कोई भी कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता। आप लोग इतनी मिर्चे ला के कसम से पाकिस्तान में बहुत सी जज्बाती रूह है, मुझे समझ जाती है तो मैं क्या कहूँ। अगर तौहीन रिसालत कोई मुसलमान करे तो उसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। अगर तौहीन रिसालत कोई गैर मुस्लिम करे तो उसकी सजा डिफरेंट किस्म की हो सकती है, उसको जेल हो सकती है, उसको जुर्माना हो सकता है, वो तौबा कर सकता है, उसको माफी मिल सकती है। अगर तौहीन नेक्स्ट लेवल की है विद प्रूफ तो उसको सजाए मौत हो सकती है। देखिए इस्लाम में भी है, जब आपके मुल्क में कानून है, अदालतें हैं, तो वो अपना काम करेगी। कोई शख्स कानून अपने हाथों में नहीं ले सकता, मतलब कि जायज ही नहीं है, इजाजत ही नहीं है उसको कानून अपने हाथों में लेने की। तो इससे फिसाद फैलते हैं। पाकिस्तान में पहले बहुत से दो नंबर मौलवी मौजूद है जो इस्लाम पे और फिसाद पे ला सकते हैं। सुनी सुनाई बातों पर कत्ल वारत शुरू हो सकती है, जिसने भी तौहीन रिसालत की है, जिसने भी हमारे नबी को ऐसे बोला है, उसने भी इस्लाम के ऊपर ऐसा बोला है। तो विद प्रूफ चीजें देखा करें, विद प्रूफ आप लोग बिलीव किया करें चीजों पे। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अगर ये केस है भी, तो ये केस अदालत में कौन लेके गया, अदालत में कैसे गया, अदालत के फैसले का वेट क्यों नहीं किया गया, क्या कोई प्रूफ नहीं था उसके पास, खालिद के पास, जिसने कत्ल कर दिया। तो आप लोग सोच समझ के हर चीज स्टडी किया करें। और रही बात उन लोगों की जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, जो मुझे कादियानी काफिर पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, जो मेरी फैमिली को गालियां दे रहे हैं, उनका मजहब मुझे शो हो गया वो किस मजहब से है। मेरा मजहब जो है वो ऊपर वाला देख रहे हैं मेरा मजहब क्या है, मुझे किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। खैर आप लोगों का मजहब मैं अच्छी तरह जानता हूँ, अच्छी तरह मैंने आप लोगों को बहुत करीब से देखा हुआ है, आप लोगों की हैवानियत को।